आज हम एमएससी फाइनल के पेपर इकोलॉजी में से इकोसिस्टम स्ट्रक्चर और रेट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड रेट फंक्शंस। इसमें सबसे पहले हम इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इकोसिस्टम क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड इट बेटर एज हाउ नेचर वर्क्स, इकोलॉजिकल स्टडीज आर मेड एट इकोसिस्टम लेवल एंड इट हैज़ बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, विच इज़ जनरली रेफर टू एज द बायो एनर्जेटिक अप्रोच। अगर मान लो कि हम नेचर को एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम समझें तो ये इकोसिस्टम बायोस्फीयर इकोसिस्टम कहलाता है। बायोस्फीयर, इसमें क्या होता है कि जो लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सेपरेबली इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। तो इसको अपने ध्यान में रखते हुए जो इकोसिस्टम टर्म है, टर्म इकोसिस्टम, ए जी टेंसले ने 1935 में दी थी। ये जो टर्म इकोसिस्टम है, दो वर्ड्स के मिलने से बना है। इको इम्प्लाइज द एनवायरनमेंट, एंड सिस्टम इम्प्लाइज एन इंटरेक्टिंग इंटर एक्टिंग इंटर डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो इकोसिस्टम टर्म है, दो वर्ड्स के मिलने से बना है। इको इम्प्लाइज एनवायरनमेंट, सिस्टम इम्प्लाइज एन इंटर एक्टिंग इंटर डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। जो डेफिनेशन दी थी एजी टेंसले ने इकोसिस्टम की, डेफिनेशन है दिस सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये डेफिनेशन है इकोसिस्टम की जो एजी टेंसले ने दी थी। जो सिस्टम है, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के, उनके इंटीग्रेशन से प्राप्त होता है, इकोसिस्टम कहलाता है। एजी टेंसले ने जो दी थी डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग कि जो इकोसिस्टम है वो सिर्फ ऑर्गेनिज्म का कम्प्लेक्स ही नहीं है, परंतु उसके साथ साथ में फिजिकल फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट के, वो भी इकोसिस्टम में इंक्लूड होते हैं। इन ए गिवन एरिया ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट इज कम्युनिटीज इंटरेक्ट विद देयर नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट इन ए वे दैट फ्लो ऑफ एनर्जी लीड्स टू क्लियरली डिफाइंड ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइकिल।
within the system. This unit of living organisms interacting with their non-living environment in an orderly, self-sufficient manner is known as an ecological system or ecosystem. Keeping this in view, we may think of the earth. We live upon a giant ecosystem where abiotic and biotic components are constantly acting and reacting upon each other, bringing forth structural and functional changes in it. This vast ecosystem, biosphere, is however difficult to handle, and thus for convenience we generally study nature by making its artificial subdivisions into units of smaller ecosystems. These are terrestrial ecosystems, include forest, desert, grassland, man-engineered as cropland, aquatic ecosystem, freshwater ecosystem, marine ecosystem, etc. of different sizes. An ecosystem may thus be as small as a pond, a cropland, or as large as an ocean, desert, or forest. These units ecosystems are simply separated from each other with time and space, but functionally they all are linked with each other, forming as an integrated whole. There exist practically no functional boundaries between them. This figure shows a generalized scheme of nutritional relationships among different living components of an ecosystem. ये plants जो primary producers हैं, sunlight लेकर के photosynthesis के द्वारा organic matter का production करते हैं, और herbivores इनको consume करते हैं. primary consumer हैं, इसके बाद में secondary consumer and tertiary consumers. जो carnivores हैं, secondary consumers हैं, जो हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं, और ओमनीवोर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं. और इनके जो डिकेइंग मटेरियल हैं, एक्सक्रीशन और डिके प्रोडक्ट्स हैं, इनके द्वारा जो इनऑर्गेनिक मटेरियल बनते हैं सिंपल, वो फिर से प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं फूड का प्रोडक्शन करने के लिए. तो इस प्रकार इनमें जो अलग अलग एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, एक न्यूट्रिशनल फूड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप बनती है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिनके बीच में एक, और ये एक इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं. जो रिसेंट डेवलपमेंट है इकोलॉजिकल स्टडीज में, ये स्ट्रक्चर के साथ में जो फूड एंड एनर्जी रिलेशनशिप्स अमंग लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो फूड और एनर्जी के रिलेशनशिप्स हैं, उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं. एंड डिफरेंसेस पर आधारित हैं, और ये जो जनरली इसको रिफर करते हैं बायोएनर्जेटिक अप्रोच. इन मॉडर्न इकोलॉजी इसलिए मॉडर्न इकोलॉजी को ब्रॉडली
स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स मॉडर्न इकोलॉजी को स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स भी कहते हैं, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स। और जो मॉडर्न इकोलॉजी के हिसाब से इकोसिस्टम की डेफिनेशन है, एन इकोसिस्टम इज एन ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ होल मोजैक्स ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इट इज नॉर्मली एन ओपन सिस्टम विद ए कंटिन्यूस बट वेरिएबल इन फ्लक्स एंड लॉस ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी। इट इज ए बेसिक फंक्शनल यूनिट विद नो लिमिट्स ऑफ बाउंड्रीज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर बोथ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ अपॉन अर्थ। दस एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट्स द हाइएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल इंटीग्रेशन विच इज एनर्जी बेस्ड एंड दिस फंक्शनल यूनिट इज कैपेबल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एक्यूमुलेशन एंड सर्कुलेशन। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। नेचर में डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स हैं, फिर भी इनको बांटा गया है नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। नेचुरल इकोसिस्टम्स जो कि प्राकृतिक रूप से एग्जिस्ट करते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, दीज ऑपरेट बाय देमसेल्व्स अंडर नेचुरल कंडीशन विदाउट एनी मेजर इंटरफेरेंस बाय मैन बेस्ड अपॉन द पर्टिकुलर काइंड ऑफ हैबिटेट। आवास के स्थान पर नेचुरल इकोसिस्टम्स को आगे फिर से डिवाइड किया गया है, जैसे जो लैंड पर एग्जिस्ट करते हैं उनको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कहते हैं, और इनमें फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट और जो एक्वेटिक होते हैं पानी में पाए जाते हैं इकोसिस्टम, पानी की इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैराइन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम ये लॉटिक और लैंटिक में सब डिवाइड किए गए हैं। लॉटिक इकोसिस्टम जो रनिंग वाटर वाले इकोसिस्टम होते हैं, जैसे स्प्रिंग स्ट्रीम्स और रिवर्स के इकोसिस्टम्स, और लैंटिक जिनमें पानी रुका रहता है, स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम जैसे लेक पोंड पूल्स स्वाम्स डिच एट्सेट्रा, और मैराइन जो समुद्र वाले डीप बॉडीज वाले इकोसिस्टम्स होते हैं, जैसे ओशियन और शैलो वंस होते हैं, सी एंड एस्चुरी एट्सेट्रा। दूसरे हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम भी कहते हैं। ये वाला इकोसिस्टम है मेंटेन्ड बाय आर्टिफिशियली बाय मैन। By addition of energy and plant manipulation। For example, क्रॉपलैंड्स
लाइक मील स्वीट राइस फूल एक्सेट्रा। इसमें क्या करता है मैन, बायोटिक कम्युनिटी के साथ साथ में फिजिको केमिकल इन्वायरमेंट को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इकोसिस्टम के दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं स्ट्रक्चर एंड रेट फंक्शन। स्ट्रक्चर से हमारा मीनिंग है स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, पहला इसमें स्ट्रक्चर में हम जो इंक्लूड करते हैं कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। कम्युनिटी इसके अंदर स्पीसीज बायोलॉजिकल कम्युनिटी की कंपोजिशन में स्पीसीज नंबर बायोमास लाइफ हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिए गए स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड करते हैं और इसमें क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन लिविंग मटेरियल। नॉन लिविंग मटेरियल्स जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, वाटर एक्सेट्रा। थर्ड है इसमें स्ट्रक्चर में जिनको इंक्लूड किया जाता है रेंज, द रेंज और ग्रेडियंट ऑफ कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे कि टेम्परेचर लाइट एक्सेट्रा। टेम्परेचर लाइट एक्सेट्रा। फंक्शंस से हमारा मीनिंग है फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। इसके अंदर जो इंक्लूड किया जाता है द रेट ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो दैट इज द प्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन रेट्स ऑफ कम्युनिटी। और इसमें इंक्लूड किया जाता है फंक्शंस में रेट ऑफ मटेरियल्स एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल्स। थर्ड है बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल रेगुलेशन। इकोलॉजिकल रेगुलेशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका रेगुलेशन एनवायरनमेंट के द्वारा किया जाता है और जो एनवायरनमेंट है इसका रेगुलेशन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो ऑर्गेनिजम्स का रेगुलेशन एनवायरनमेंट के द्वारा होता है ये फोटोपीरियोडिज्म एक्सेट्रा
तो किसी भी इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी एक साथ की जाती है।